हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान। यू कैन लर्न इजीली हियर इन दिस वीडियो, सो यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड थॉरली। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग केयर प्लान से पहले हम इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं एंड लर्न द क्लिनिकल डाटाबेस फॉर नर्सिंग केयर प्लान हेल्पिंग। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन इज अवर टॉपिक। द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रायर टू द वायबिलिटी the ability to survive if born which is less than 28 weeks of gestation means termination of pregnancy or abortion means air expulsion of the product of conception means a period of viability means जो भी होने वाला बच्चा है उसके survival होने से पहले survival period till born ये वायबिलिटी पीरियड कहलाता है। मीन्स जेस्टेशन पीरियड का 28 वीक पीरियड। तो ये था अबॉर्शन मीन्स 28 वीक ऑफ जेस्टेशन का जो लाइफ है उससे हम जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी उसको काउंट करते हैं और इसमें जो भी फीट एक्सपल्सन होगा फीटस वो एक तरह से अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल असेसमेंट डाटाबेस फॉर मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स ऑन दिस क्लिनिकल असेसमेंट डाटा वी प्लान एयर नर्सिंग केयर प्लान। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन वास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट फियर एंड एंजाइटी अबाउट अनप्लान प्रेगनेंसी पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस पेल्विक क्रैम्पिंग एंड पेन बैकएक वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरेशन स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 80% ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग प्रायोरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। नंबर फर्स्ट एवेल्युएट क्लाइंट स्टेटस प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस सपोर्ट द ग्रीफ प्रोसेस provide appropriate instructions these are the nursing priorities of this spontaneous termination of pregnancy or abortion। here this is the first diagnosis of nursing care plan of abortion। first take the nursing assessment here। Presence of pelvic cramp and back ache, next vaginal bleeding on the after the assessment nursing diagnosis का risk for maternal injury means maternal injury के chances है after the abortion। goal होगा to reduce risk for maternal injury and stop bleeding। ये हमारा goal होगा। nursing intervention and rational for this diagnosis assess the vital signs। Your first nursing intervention urine output estimate blood loss urine pad urine using pad count weight। तो यहाँ intervention first की clients के vital लेना urine output देखना और जो भी blood loss हो रहा है उनको through pads count and weight के through monitor करना। यहाँ पर rational होगा for early recognition of problem and prompt treatment। next second diagnosis assess and review sign symptom disseminated intravascular coagulation rational loca fetal autolysis of the product of conception which release thromboplastin can cause DIC। next intervention provide IV oral fluids as appropriate administer volume expander एंड ब्लड प्रोडक्ट्स एज इंडिकेटेड रेशनल होगा। यहाँ पर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद ब्लड लॉस। नेक्स्ट असिस्ट विद नेसेसरी थेरेपेटिक प्रोसीजर सच एज डायलिसन एंड क्यूरेटेज डी एन सी रेशनल ऑफ दिस इंटरवेंशन।
क्लाइंट्स विद द इनकम्प्लीट और मिस्ड अबॉर्शन में नीड डीएनसी टू स्टॉप ब्लीडिंग. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इवेल्यूशन एंड असेस द इवेल्यूशन दैट द फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग इवेल्यूशन इज हेयर रिड्यूस्ड रिस्क फॉर मेटल इंजरी एंड ब्लीडिंग डिसअपीयर. दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट ईयर. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकेंड. हेयर दिस इज द सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस. डेफिशियंट नॉलेज रिगार्डिंग कॉज ऑफ अबॉर्शन सेल्फ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्शंस. आफ्टर द असेसिंग ऑफ असेसिंग द पेशेंट द वी प्लान हेयर द नर्सिंग डायग्नोसिस. हेयर एवर नर्स असेसमेंट इज और फर्स्ट ईयर. After nursing assessment, nurse find that the deficiency of cognitive information regardless cause of abortion, self-care and preventive measures. These are the interventions. After these interventions, we find that the clients have no knowledge or little bit knowledge of about the abortion, their causes, treatment, and different types of abortion, etc. Nursing diagnosis got deficient knowledge regarding cause of abortion, self-care and contraceptions. Goal over to improve the level of knowledge. They are nursing interventions for this diagnosis. Number first here, nursing diagnosis and the rational first provide information about the cause of the abortion. Example, genetic anomaly, infection, IRS, incompatibility. These are the most cause of the that causing abortion. To enhance knowledge level of the patient. Next, discuss contraceptive method, provide information to client. Next, identify sign and symptom of the reported to physician for prompt interventions. Next, identify other women or couples when possible who have experienced similar occurrence and encourage sharing. Rational hoga, provide opportunity to share experiences with peers may promote acceptance of loss of for future. These are the intervention and rationale of this diagnosis. Next, nurse monitor nursing evaluation for this client that the improved level of knowledge means asked by asking different question. Now clients give their answer and says having now the adequate knowledge about the abortion. Next dekhte hain nursing diagnosis number third. Here, this is the nursing diagnosis number three, risk for ineffective sexuality pattern. Means after the nursing assessment, we make this diagnosis. Yeah, nursing assessment hoga. Your client express fear and anxiety. Second assessment question from the client regarding conception, contraceptions. After nursing assessment, we make here the nursing diagnosis, risk for ineffective sexuality pattern. Goal of a client will resume sexual activity and use contraceptive appropriately. For this nursing diagnosis, we plan here nursing interventions and the rational initiate number first intervention, initiate discussion about sexual activities and future pregnancies. Iska rationale client may be reluctant to initiate discussion. The next second, discuss concern and expectations about the future plan including pregnancy and feeling about self in this situation. Yeah, rational hoga because of the client's inability to maintain pregnancy. The next discuss resuming sexual activity. Yeah, iska rational hoga. This is intervention and rational here. Safety of resuming sexual activity may depend on the medical regimen. Next intervention, provide information about the contraceptive methods
फॉर चूजन रेशनल क्लाइंट्स नीड टू नो हाउ टू यूज द मेथड एंड व्हाट द पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड लास्ट इंटरवेंशन ईयर रेफर टू द फर्दर काउंसलिंग एज इंडिकेटेड मे नीड एडिशनल हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट दीज आर द इंटरवेंशंस फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस दैट इज रिस्क फॉर इनएफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी एवेल्युएट द क्लाइंट फॉर नाउ क्लाइंट रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटीज एज एडवाइज यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैथड्स एज अप्रोप्रिएटली दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड ईयर एरेस्ट फॉर इनफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न फ्रेंड्स दिस इज अवर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ दिस नर्सिंग केयर प्लान दैट इज अबॉर्शन नर्सिंग डायग्नोसिस ईयर एरेस्ट फॉर मैटरनल इंजरी यू कैन टेक नोट्स ईयर नेक्स्ट डायग्नोसिस है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग कॉज ऑफ अबॉर्शन सेल्फ केयर कॉन्ट्रासेप्टिव आप यहाँ से इसका पिक्चर ले सकते हो दिस इज सेकेंड डायग्नोसिस नंबर थर्ड देखते हैं रिस्क फॉर इन इफेक्टिव सेक्सुअलिटी पैटर्न दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड एंड यू कैन टेक नोट्स हियर फ्रेंड्स दिस इज हियर आवर नर्सिंग केयर प्लान ऑन अबॉर्शन ऑन और स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसीज तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान एंड यू सेंड योर लाइक्स कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो थैंक यू